और तुमने 6-6, 8-8 घंटे दगा करे इस तरह के विधर्मियों को, इस तरह के जो समाज के कंटक लोग हैं उनको इस तरह के कार्य करने के लिए पोषण कर दिया, तो वो जरूर आज एक नहीं कल 10 भी करेंगे। तो हम जनता का और लोगों का जो पुलिस के प्रति जो भरोसा है, क्या वो भरोसा नहीं टूटेगा? अरे स्वार्थी तत्व के अगर अधिकारी, अगर आपके क्षेत्र में जिस तरह से माफियाओं के काम होते हैं, अगर कोई ट्रैक्टर लेके चला जाता है कि उसमें बजरी भरी है, उसके लिए तो पुलिस पूरी की पूरी भागने लगती है, डिप्टी भी आ जाते हैं, थाना अधिकारी भी आ जाते हैं, सारा प्रशासन उनके पीछे लग जाता है, क्योंकि वहाँ नोट मिल रहे वाले हैं। और गरीब आदमियों को सताने के लिए, अगर न्याय के लिए आप सभी ने थाने का भी घेराव किया, बहुत हो गया प्रशासन के सामने। अब तो बड़े अधिकारियों से हम मांग रखे हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी वो बेटी सुरक्षित आए, और सुरक्षित आकर के उसको नारी निकेतन जो महिलाओं को रखने का केंद्र होता है वहां रख करके उसको जो भी उसके द्वारा बयान है वो दिलाए जाए, और जो भी परिवार इस घटना से पीड़ित है वो न्याय दिलाया जाए। और आप सभी से कहना चाहता हूं कि वो बेटी किसी बाप की नहीं, वो बेटी पूरे गांव की है, क्योंकि आज और हम लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए, एक पिता को न्याय दिलाने के लिए। और सबसे बड़ा अगर लड़ाई है तो हमारे सनातन धर्म की लड़ाई है, तो इस लड़ाई को हमें शांति से हमने कर लिया, अब क्रांति पैदा करनी चाहिए। तो गांव के गणमान्य व्यक्तियों से सबसे मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरा आपको जहां पर भी सहयोग मिले, मैं सदैव आप लोगों के साथ में हूं। जब से मैंने वो वीडियो देखा था तो मेरे स्नेही शैलेंद्र जी और रोहितास बना से मैंने संपर्क किया कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अपने क्षेत्र में कैसे हो गई, तो बोले गुरुदेव आप जरूर उसमें पधारना। मैं तो बहुत पहले आने वाला था लेकिन संपर्क नहीं होने के कारण से मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन आप सभी को आश्वस्त कराना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि जिला प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, आप थाने में जाकर के उन थाना अधिकारी को इस जाजम पर बुला करके बिठाएं और गांव के 5 आदमी पूछे कि अब तक आपने उस पर क्या कार्रवाई की, अगर वो नहीं बताते हैं कि कुछ भी कार्रवाई नहीं की, तो आप और हम सभी IG के पास पहुँच करके इस न्याय को रखते हैं, क्योंकि IG जो होता है वो कम से कम 4 जिलों का मालिक होता है, एक SP सिर्फ नागौर जिले का हो सकता है। तो हम बड़े अधिकारी से और उनके ऊपर भी अगर हमको राजनीतिक तंत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी या संगठनों के माध्यम से बड़े बड़े पदाधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आप सभी के साथ खड़ा होकर उन पदाधिकारियों के द्वारा भी वहां प्रेशर करूंगा, क्योंकि हमारे गांव की बेटी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पीड़ित हुई। तो आप सभी के बीच में आकर के, क्योंकि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है कि कई बार आते तो पूरा गांव महकता हुआ दिख रहा है, आज पूरा गांव सुनसान दिख रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जीत है कि हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। पैसा तो हम बहुत कमा लेंगे, लेकिन आज ये घटना अगर हमने विजय प्राप्त कर ली इस घटना पे, तो आने वाले ऐसे विधर्मियों को पता चलेगा कि सनातन धर्म की बेटियों पर आँख उठाने का क्या अंजाम होता है। और वो एक बेटी आ जाए फिर भी हमको रुकना नहीं है, उस विधर्मी को इस चौराहे पर फरे हम फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक तंत्र में बहुत सारे लोग बचाव करने आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई हम क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा ही निंदनीय विषय है। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के जो थानाधिकारी बैठे हुए हैं, आपने भी उसको पोषण देने का कार्य किया, अगर समय रहते आप उस पर गुमशुदा की जगह अपहरण का मुकदमा लगा करके चारों तरफ नाकाबंदी कर देते तो वो क्षेत्र से बाहर नहीं जाती, लेकिन आपने भी उसके साथ जो किया है हम आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए सदैव तत्पर है और रहेंगे। आपको भी पता चलना चाहिए, क्योंकि घर में बेटियां आपके भी होगी, और वो आज किसी समाज या थावड़ा की बेटी को लेके गए कल आपकी बेटी को भी ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं होती कि घटना किसी के साथ ही घटे, कभी भी किसी के साथ में भी इस प्रकार की घटनाएं, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं अगर ऐसी घटनाएं पुनः अगर घटती है तो इस प्रकार से हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहेगा, क्योंकि हम सभी में एक बहुत बड़ी एकता होनी चाहिए। एक लाठी को सब तोड़ सकते हैं, लेकिन 100 लाठियां इकट्ठी हो जाती है तो विधर्मियों को भी सोचना पड़ेगा। इसलिए यहाँ अभी जितने लोग विराजमान है, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि माँ भगवती की पूजा करने से पहले घर में शास्त्र भी लाना और शस्त्र भी लाना। शस्त्र रखना कोई कानूनी अपराध नहीं है, क्योंकि माँ भगवती का जो शस्त्र है वो पूजा में बहुत जरूरी है। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वहाँ पर चांदी के सिक्के भी रखते हैं, नोट भी रखते हैं, उनको पूजते हैं कि हमारे को लक्ष्मी बहुत ज़्यादा देगी। अरे माँ भगवती हमारी रक्षा भी करती है, माँ भगवती स्वयं हमारे शरीर में इतनी शक्ति दे रखी है कि वो शस्त्र माँ भगवती चलाना जानती है तो हम सनातनी भी चलाना जानते हैं। हम लोग सनातनी होने का हमें बहुत बड़ा गर्व है कि जिस राष्ट्र के अंदर
हम सनातनी लोग रहते हैं, उस राष्ट्र में कम से कम शांति होनी चाहिए। मैं प्रशासन से खुलेआम कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में अगर शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से इस कार्रवाई को अंजाम दे करके और उस बेटी को इस गांव में पहुंचाने का कार्य करें। आज हम शांति की बात कर रहे हैं और अगर क्रांति की ज्वाला अगर पैदा हो गई तो यहाँ एक भगवाधारी नहीं, मैं 100 भगवाधारी ला करके खड़े कर दूंगा जो सनातन की बात करके आपके गाँव के लिए लड़ेंगे। धर्म है हमारा और हमारे धर्म के लड़ने के लिए हमें कोई मर्यादाएं नहीं रोक सकती और कोई परंपराएं नहीं रोक सकती। इसलिए आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि यथाशीघ्र कानूनी राय लेते हुए हमें तुरंत प्रभाव से इस कार्य को गति देनी चाहिए। हम बैठे रहेंगे, हम बैठे बैठे इंतजार करते रह गए 2 दिन, लेकिन अब हमको कदम बढ़ाना चाहिए। वो निर्णय आप सभी को करना है, उसमें मैं आप सभी के साथ भी सहयोगी हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।